योगी केवल लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर ही फुल फॉर्म में नहीं है, विकास के काम में भी टॉप गियर को अंजाम दे रहे हैं, टॉप गियर में चल रहे हैं। कल योगी मैनपुरी में थे, आज उनका पड़ाव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ फूलपुर में है। योगी आदित्यनाथ आज फूलपुर आ रहे हैं, जहां वो रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 15,000 से ज्यादा युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेंगे। योगी युवाओं को 505 करोड़ रुपए के लोन भी बांटेंगे और फिर 633 करोड़ रुपए की 407 परियोजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ यहां पर एक रैली को भी संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मिशन 10 पर लगे हुए हैं, यानी कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन तमाम सीटों पर उनका एक एक करके दौरा हो रहा है। कल अखिलेश यादव के गढ़ में थे, तो आज केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ फूलपुर में हैं, जहां पर 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम है। इसके अलावा लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। 15,448 छात्रों को 505 करोड़ का लोन वितरण तो होगा ही, साथ ही 633 करोड़ की 407 योजनाओं की सौगात दी जाएगी। इस सीट पर भाजपा विधायक प्रवीण पटेल लोकसभा सांसद बन चुके हैं, उनके इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली है और इसे जीतने की कोशिश हो रही है। आपको जानकारी दे दें, योगी आदित्यनाथ लगातार कई दिनों से दौरे पर दौरा कर रहे हैं। 17 अगस्त को अम्बेडकर नगर के कचहरी, 18 अगस्त को अयोध्या के मिल्केपुर, 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर के मीरापुर, 23 अगस्त को गाजियाबाद सदर सीट, 27 अगस्त को मैनपुरी करहल। तो अभी कल ही की बात कर ले, जब मैनपुरी के करहल में एक बार फिर से उनका दौरा हुआ, उससे पहले मुरादाबाद के कुंदर की, 29 अगस्त को कानपुर के सीसा मऊ सीट पर और 28 अगस्त को अलीगढ़ के खैर सीट पर वो दौरा कर चुके हैं। फूलपुर सीट का जातीय समीकरण क्या है वो जरा आप समझ लीजिए। फूलपुर सीट है जो कि अनुसूचित जाति की, यदि हम बात करें तो 75,000 इनकी आबादी है। मुस्लिम 50,000 की तादाद में है, तो यादव 70,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, पटेल 60,000, ब्राह्मण 45,000, तो वहीं राजपूत वोटर्स की संख्या 15,000 के पास है। तो फूलपुर ऐसी सीट जहाँ पर जातीय समीकरण बीजेपी के लिए सही साबित हो सकता है, लेकिन रही बात केशव प्रसाद मौर्य का अपना गढ़ है और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरी ये लगातार कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी। इस लिहाज से इस सीट पर अब किसकी जीत होती है किसकी हार, ये लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। '17 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं, सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी, पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था,